नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिक्स फ्रूट और शक्करकंद में से बनने वाला स्वादिष्ट रायता बनाना सीखेंगे। ये रायता आप लंच या डिनर में खाने के साथ साइड डिश के रूप में परोस सकते हैं और इसे बनाने की रीत बहुत ही सरल है। रायता बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ शक्करकंद दिया है। शक्करकंद को छील कर हम कद्दूकस करेंगे। अभी सर्दी के मौसम में शक्करकंद बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपके पास शक्करकंद ना हो तो इसी तरह से आप आलू को उबालकर उसे कद्दूकस करके भी रायता बना सकते हो। शक्करकंद के अंदर जो रेशे हैं वो सब ऊपर रह गए हैं, उसे हमें फेंक देने हैं। इस तरह से हमने तैयार किया है। एक मिक्सिंग बोल लेकर उसमें एक कप दही ऐड करें। दही अच्छा सा जमा हुआ और फ्रेश होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। दही को हम हैंड बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से हमें उसे एक मिनट तक फेंट लेना है। अब हम उसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। आप शक्कर का पाउडर करके भी ऐड कर सकते हो। हमने जो शक्करकंद को कद्दूकस करके रखा था उसे भी ऐड करेंगे और साथ में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 25 ग्राम जितने फ्रेश अनार के दाने ऐड करें और 25 ग्राम मैंने हरे अंगूर को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसे भी ऐड करेंगे। आप इस रायते में स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल के पीसेस ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करें और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड करें। 1/2 चम्मच भुना हुआ दरदरा पीसा हुआ जीरा ऐड करें और चम्मच की मदद से उसे अच्छे से मिला लें। अगर आप इस रायता में वॉलनट के पीसेस ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और हरा धनिया भी बारीक चॉप करके आप इसमें मिला सकते हो। तो मिक्स फ्रूट और शक्करकंद का रायता बनकर तैयार है। रायता को हमने फ्रेश अनार दाने और अंगूर से गार्निश किया है। उसे 10 मिनट तक फ्रीज में ठंडा करें, फिर रायता को सर्व करें। मिक्स फ्रूट और शक्करकंद में से बनने वाला स्वादिष्ट रायता बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आप भी ये इंस्टेंट रायता की रेसिपी अवश्य ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।